गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज थोड़ा सा जंगल की ओर आए हैं घूमने के लिए। आप लोग भी देख सकते हैं, छोटा मोटा सा जंगल है, उतना बड़ा नहीं है। अंदर हम लोग भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुका है, अभी तो सूरज ढल चुका है, उतना अंदर तक नहीं जाएंगे। ऊपर ऊपर से जाएंगे, फिर से दिखाएंगे आप लोगों को फिर एक नया ब्लॉग में, जो टाइम मिलेगा तब पूरा जंगल का आप लोगों को शेयर कराएंगे। अभी तो छोटा मोटा ऊपर से शूट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए आप लोग। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा जंगल का अंदर आ गए। थोड़ा घना है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे भी घना जंगल है अंदर। उतना दूर तक तो नहीं जाएंगे, पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। थोड़ा बहुत झलक आप लोगों को दिखा रहे हैं। बढ़िया ही प्लेस है पिकनिक करने के लिए। हम लोग तो जब थोड़ा सा ठंड पड़े बढ़ेगा और दिसंबर महीना आएगा, तब तो हम लोग बहुत पिकनिक करते थे इसी जंगल में। जंगल का एरिया भी सही है, पिकनिक करने का लायक है, इतना घना पेड़ है और जगह भी सही है, थोड़ा खुला खुला मैदान है, ये पूरा पिकनिक स्पॉट ही बन जाता है दिसंबर महीने में। जवाहर नवोदय केंद्रीय विद्यालय के पास इनका जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बहुत बड़ा एरिया है पूरा। यहाँ से लेकर पूरा उधर तक पूरा एरिया जो है ये जवाहर नवोदय केंद्रीय विद्यालय का। We'll be right back.
इतना डे लाइट तो था नहीं ज़्यादा कुछ शूट कर पाए, लेकिन जितना शूट किया थोड़ा बहुत आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने इस चैनल पे नया आए हो उन्होंने सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो ठीक है, अभी ब्लॉग की एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टिल देन बाय बाय, टेक केयर।